अ वेरी वॉम वेलकम डियर स्टूडेंट्स सो let स्टार्ट start रोटेशनल rotational एम सी क्यूज़ आज हम लोग रोटेशनल dynamics के एम सी यूज़ करेंगे फर्स्ट वी विल कम्प्लीट एम एच टी सी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के एम सी क्यूज़ फिर टू थाउजेंड ट्वेंटी ऐसे हम लोग करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट right? सो so पहले टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के एम सी क्यूज स्टार्ट करते हैं let us बिगिन तो ये पहला क्वेश्चन है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है देखते हैं वॉट इज आस्ट इन द क्वेश्चन ए वन के जी मास तो ये हमको एम दिया हुआ है राइट जैसे जैसे डेटा होगा लिखते जाएंगे वन के जी मास मतलब एम दिया हुआ है इज़ टाइड टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टेन बाई थ्री मीटर सो वी नो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑल्सो स्ट्रिंग की लेंथ हमको पता है टेन बाई थ्री इज़ वर्ल्ड इन अ सर्क्युलर पार्थ ऑफ रेडियस वन मीटर सो हम लोग को रेडियस भी पता है इन अ वर्टिकल प्लेन तो याद रखना वर्टिकल सर्क्युलर मोशन का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फोर मतलब टी मैक्स अपॉन टी मिन इज इक्वल टू फोर द स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज़ देखो इस प्रॉब्लम को सोचने की तरीका क्या है देखो अगर अगर हम किसी भी तरह टेंशन निकाल पाए हाइएस्ट पॉइंट पे, तो हम स्पीड निकल पाएंगे आराम से क्योंकि देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालते हैं एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर है एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वाय आर याद रखना है ये फॉर्मूला है सोचते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 180 होगी राइट right? तो थीटा पता है टेंशन अगर पता चल गया, चल गया तो वी भी पता चल जाएगा तो हमें किसी भी तरह से क्या करना चाहिए टेंशन निकालना चाहिए कौन से पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होता है मतलब आवर एम शुड बी टू फाइंड टी मिन मैं आप लोगों को कुछ और एक बात भी बता देता हूँ देखो हम लोग पहले से जानते हैं हमको ये दिया हुआ है टी मैक्स अपॉन टीम इन फोर और हम पहले से जानते हैं कि टी मैक्स माइनस टी मिन इज इक्वल टू तो सिक्स एम जी टेंशन एट द बॉटम पॉइंट माइनस टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू तो सिक्स एम जी तो अब टी मैक्स के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ फोर टाइम्स टी मिन ओके okay, तो आंसर आएगा टी मेन इज इक्वल टू वॉट ट्वेंटी तो मुझे मिल गया टेंशन कहाँ पे मिल गया हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे अब मैं जानता हूँ कि टेंशन किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी कॉस् थीटा हाइएस्ट पॉइंट पर मुझे टेंशन ट्वेंटी न्यूटन पता है थीटा वन एटी होता है सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लो वी विल गेट दी आंसर देखो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन एंड स्पीड आर मिनिमम टेंशन भी मिनिमम होता है स्पीड भी मिनिमम होता है और थीटा 180 होती है लाइक like, तो टेंशन तो मैं निकाल ही चुका हूँ ना ट्वेंटी तो 20 इज इक्वल टू वन इंटू सब वैल्यूज मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया तो आंसर आता है 10 मीटर पर सेकेंड विच इज़ ऑप्शन नंबर बी ओके तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में और ये सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से किसी बुक में है और जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से ये सेम क्वेश्चन एररलेस के बुक में तो मैंने देखा हुआ है ये क्वेश्चन ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों ए पार्टिकल ऑफ मास फाइव के तो हमको एम दिया हुआ है मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है और इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इट्स लीनियर स्पीड एट अ गिवन टाइम इज गिवन एज वी इक्वल टू फोर सब ऐसा ही सिस्टम है फाइंड द नेट फोर्स अब देखो बॉडी अगर देखो ये वी इक्वल टू फोर्टी का मतलब क्या है अलग अलग टाइम पे स्पीड अलग अलग होगा अगर अलग अलग टाइम पे मतलब अगर मैं टी को वन डाल दूँ तो स्पीड फोर आएगा अगर टी को टू डाल दूँ तो स्पीड एट आएगा मतलब ये एक बात तो बहुत सिंपल है कि ये नॉन यूसीम है जहाँ पे स्पीड बार बार चेंज हो रहा है और नॉन यूसीएम में दो तरह के फोर्स एक्ट होंगे एक तो टेंजेंशियल वाला और एक सेंट्रीपिटल वाला सेंट्रीपिटल वाला तो एक मिनट में निकल जाएगा एफ इक्वल टू एम वी स्क्र बाई हर टेंजेंशियल के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मैं बताता तो हूँ टेंजेंशियल कैसे निकालते हैं देखो टेंजेंशियल फोर्स इज टेंजेंशियल एक्सिलरेशन और टेंजेंशियल एक्सिलरेशन क्या होता है डी वी बाय डी टी ओके तो पहले तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लू क्योंकि वो तो डायरेक्टली दिया हुआ है पहले तो ये नॉन यूसीएम में ये याद रखना है देखो वी इज इक्वल टू फोर टी ना v इज इक्वल टू फोर्टी ये हमको दिया हुआ है ओके okay. तो पहले मैं सेंट्रीपिटल फोर्स निकालूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालते हैं एम बी स्क्वेयर बाय आर मुझे कब निकालना है फोर्स जब टाइम 0.5 पॉइंट सेकेंड्स है तो 0.5 पॉइंट सेकेंड्स पे मैं स्पीड निकाल सकता हूँ टाइम के जगह पे 0.5 डाल दिया तो मुझे v मिलेगा 4 इंटू पॉइंट फाइव दैट इज टू तो इससे मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर दैट इज हंड्रेड न्यूटन तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो मेरा निकल आया अब मैंने बोला टेंजेंशियल फोर्स भी चाहिए व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये फोर टी का डेरिवेटिव ले लो तो फोर आएगा तो ये मुझे एक्सेलरेशन मिला फिलहाल तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फोर्स कैसे निकालोगे मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो ट्वेंटी आया अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे देखो बॉडी पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है सेंट्रीपिटल जो अलोंग द रेडियस होता है और एक टेंजेंशियल जो टेंजेंट पे होता है ऐसे होते हैं दोनों फोर्सेस दोनों के बीच में एंगल 90 होता है तो एफ नेट कैसे निकलेगा रूट ऑफ एफ सी स्क्वेयर प्लस एफ टी स्क्र एफ सी स्क्वेयर प्लस एफ टी स्क्र सारे फार्मूलाज मैंने अपने फार्मूला वाले वीडियो में दे दिए तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि हाँ ये ऐसे ही करते हैं राइट तो इसको सॉल्व कर लो आंसर आएगा ट्वेंटी रूट ट्वेंटी सिक्स न्यूटन जो है ऑप्शन नंबर सी आगे बढ़ते हैं बच्चों अ वन के जी स्टोन अटैच टू वन के जी स्टोन मतलब मास दिया हुआ है अटैच टू एंड ऑफ अ सिक्सटी सेंटीमीटर चेन इज़ रिवॉल्विंग एट अ रेट ऑफ थ्री रेवोल्यूशन पर सेकेंड तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है सिक्सटी सेंटीमीटर चेन इफ आफ्टर थर्टी सेकेंड इट इज़ मेकिंग ओनली वन रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब उसकी स्पीड कम हो गई पहले उसकी थ्री रेवोल्यूशन पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी थी या वन रेवोल्यूशन पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी है फाइंड द टॉर्क देखो टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क कैसे निकालते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई आल्फा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और तुमको अल्फा मिलेगा बाय यूजिंग कैनामेटिकल इक्वेशन और आई कैसे निकालोगे एम आर स्क्वेयर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं एम आर स्क्वायर तो अस सी अस स्टार्ट तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर से मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया फिर कैनामेटिकल इक्वेशन ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी दैट इज अ फॉर्मूला इस फॉर्मूला से मैंने क्या निकाल दिया अल्फ़ा अल्फा इज इक्वल टू टू, ओमेगा को मैंने टू पाई एफ लिख लिया इसको भी टू पाई एफ लिख लिया टू पाई एफ टू टू पाई एफ वन बाय टी तो देखो मुझे अल्फा मिल गया अब मुझे अल्फ़ा मिल गया मुझे आई मिल गया तो टॉर्क तो एक झटके में निकल जाएगा टाउ इज़ इक्वल टू आई अल्फा टाउ इज़ इक्वल टू आई अल्फा बाकी का सब कैलकुलेशन है कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं खुद कर लेना आंसर आता है जीरो पॉइंट वन फाइव न्यूटन अगर तुमको लगे कि मैंने कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो प्लीज़ ब्रिंग टू माय नोटिस ओके कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि क्या गड़बड़ हुआ है बट मुझे लगता नहीं वैसे कुछ गड़बड़ हुआ होगा बट अगर हुआ है तो बता देना राइट right? ओके okay, देखो बच्चों इसको लेके ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये तुम्हारा फर्स्ट कैनामेटिकल इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा वन प्लस आल्फाटी बस और कुछ अलग तो नहीं किया है सेम है एकदम ओके सेम से फर्स्ट कैनामेटिकल इक्वेशन ओके थ्री आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ मास एम एंड लेंथ एल आर ज्वाइन टू फॉर्म अ सिम्बल एच तो देखो ये डायग्राम देख लो तीन रॉड है उनसे एच बनाया गया एच द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड्स ऑफ एच ठीक है तो देखो ये साइड के अबाउट मैं मोवमेंट ऑफ एनर्जिया निकाल रहा हूँ ठीक है ये ये वन लिखा है ना मैंने देखो अब क्या होगा बच्चों टोटल मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सेस विल बी इक्वल टू I1 वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अब एकदम आराम से करते हैं I1 वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री आई वन देखो एक रॉड ऐसे है और एक्सेस भी ऐसे पास हो रहा है तो तुम अगर रॉड को ऐसे ऐसे घुमाओगे ना है ना अबाउट दिस एक्सेस तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा हाँ परपेंडिकुलर टू द एक्सेस घुमाते तो एम एल स्क्र बाई टू होता परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर घुमाते तो एम एल स्क्वेयर बाय ट्वेल्व एंड से घुमाते ऐसे तो एमएल स्क्वायर बाय थ्री बट इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी जीरो तो आई वन तो जीरो है उसका कोई टेंशन नहीं है सेकेंड वाले रॉड के लिए ये जो एक्सिस है ना वो टेंजेंट है तो एम एल स्क्वायर बाय थ्री हो गया थर्ड वाले के लिए क्या करोगे ध्यान से सुनना थर्ड वाले के लिए क्या करोगे देखो तुमको इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है राइट और इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूँ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जीरो क्यों अभी तो बताया तुमको कि इस एक्सिस पे जीरो होगा तो इस एक्सिस पे जीरो है और इस एक्सिस पे निकालना है तो हम लोग पैरल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे तो मैं बता देता हूँ देखो I1 वन ज़ीरो क्योंकि रॉड को अगर एक्सिस पे ऐसे घुमाया जाए तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा सेकेंड वाले का सीधा एम एल स्क्वायोयर बाय थ्री और थर्ड वाले के लिए पैरल एक्सिस थियरम लगेगा विच विल भी इक्वल टू आई सी प्लस एम एल स्क्वायेयर क्योंकि ये पैरल है इसको लेकिन डिस्टेंस पे डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है एल तो आई सी प्लस एम एल स्क्वायेयर आई होप एवरी वन नोज पैरल एक्सेस थियरम अब आई सी तो जीरो है क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट रॉड को घुमाओगे तो फिर थर्ड रॉड को घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा तो फर्स्ट रॉड का तो जीरो ही था अबाउट दिस एक्सिस सेकेंड रॉड का सीधा सीधा एम एल स्क्वायेर बाय थ्री था थर्ड वाले के लिए पैरल एक्सेस थियरम लगेगा राइट लेकिन क्या होता है कि ये आई सी जो है वो तो ज़ीरो आएगा लेकिन प्लस एम एल स्क्वायेर फॉर्मला क्या था आई आई और नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम ए स्क्वायर तो यहाँ पे ए मतलब डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस विच इज एल तो देख लेते हैं बच्चों आई सी तो ज़ीरो है

जब वो मास को घुमाया ऐसे और सर्कुलर मोशन में तो स्प्रिंग कितना खींच गया वन सेंटीमीटर इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी इज डबल्ड अब एलोंगेशन फाइव सेंटीमीटर हो गया जब तुमने एंगुलर स्पीड को डबल किया तो एलॉन्गेशन बिकम्स फाइव सेंटीमीटर वॉट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हम लोग मान के चलते हैं कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एल तो देखो जब वन सेंटीमीटर खींचेगा ना तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा एल प्लस वन और जब जब 5 सेंटीमीटर खींचेगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा एल प्लस फाइव तो ये याद रखना बस कि जब 1 सेंटीमीटर खींचेगा तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा एल प्लस वन और जब 5 सेंटीमीटर खींचेगा तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा एल प्लस फाइव वॉट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग तो लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट स्टार्ट पहले तो मैं बता देता हूँ कि वेनवर अ रॉड इज वन एवर यू परफॉर्म सर्क्यूलर मोशन यू रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स अब यहाँ पे स्प्रिंग है अगर स्प्रिंग पे एक मास अटैच करके तुम ऐसे ऐसे घुमाओगे तो डेफिनेटली द स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है के एक्स एक्स मतलब एक्सटेंशन एक्स मतलब एक्सटेंशन तो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स फर्स्ट केस में एक्सटेंशन कितना है वन तो के इंटू वन स्प्रिंग फोर्स होगा राइट एक्सटेंशन वन है और रेडियस कितना है एल प्लस वन तो रेडियस के जगह पे तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स में रेडियस के जगह पे मैं एल प्लस वन लिखूँगा और इस एक्स के जगह पे मैं वन सेंटीमीटर लिखूंगा तो देखो मैंने लिख दिया ठीक है सेकेंड केस में क्या हो रहा है सेकेंड केस में एक्स की वैल्यू कितनी है फाइव और रेडियस कितना हो जाएगा एल प्लस फ़ाइव तो सेकेंड केस में तुम्हारा एक्सटेंशन फाइव है और रेडियस की वैल्यू एल प्लस फाइव हो जाएगी और स्पीड डबल हो गया देखो एंगुलर वेलोसिटी इज़ डबल्ड है ना तो ओमेगा के जगह पे टू ओमेगा आएगा तो मैं सब सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ तो देखो कुछ इस तरह से इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा आप क्या करोगे डिवाइड कर लो दोनों को डिवाइड करने से तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा तुम्हारा के भी निकल जाएगा और तुमको एम भी उड़ जाएगा एंड यू विल गेट एल लो डिवाइड कर लो तो देखो ये इक्वेशन है सॉल्व किया तो आंसर फिफ्टीन सेंटीमीटर आता है राइट सो दिस क्वेश्चन वॉज अगेन आस्ट इन एम एस टी सी टी तो अब तक जितने भी क्वेश्चन है सब सीए टू के क्वेश्चन ही किए हमने और आगे बढ़ते हैं ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन ठीक है एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वी माइनस यू बाई टी फाइनल वेलॉसिटी माइनस इनिशियल वेलॉसिटी डिवाइडेड बाई टाइम ठीक है हाफ रेवोल्यूशन मतलब पार्टिकल यहाँ पॉइंट ए से घूम कर पॉइंट बी पे आ गया हाफ रेवोल्यूशन मतलब पॉइंट ए से घूम कर बी पे आ गया तो यहाँ पे वेलोसिटी थी v यहाँ पे वेलोसिटी भी v होगी बिकॉज इट इज़ यू सी एम कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है बट डायरेक्शन अलग अलग है तो एक वेलोसिटी को अगर मैं v मानूंगा तो अगले वेलोसिटी को माइनस वी मानूंगा राइट एंड वॉट इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर टिल हीयर टाइम पीरियड का आधा देखो द टाइम टेकन टू कम्पलीट द फुल सर्कल इज कैपिटल टी सो वॉट इज द टाइम टेकन टू कम्प्लीट हाफ सर्कल इट विल बी इक्वल टू टी बाय टू टी बाई टू सो देखते हैं लेट अस सी एवरेज एक्सेलरेशन इज v2 टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टाइम का आधा t बाई टू तो दैट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ माइनस v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम और टाइम कैसे निकालते हैं देखो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन विच इज इक्वल टू टू पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड वी ओके तो मैंने ये टी के जगह पे सब्सटीट्यूट कर लिया सॉल्व कर लिया तो आंसर आएगा आंसर आएगा आंसर आएगा टू वी ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ओके और आगे बढ़ते हैं बच्चों अ थिन रॉड अभी तक हम लोग 2021 के क्वेश्चन कर रहे हैं राइट अ थिन रॉड ऑफ लेंथ 2l इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ द रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बस इतना याद रखना कि रॉड का लेंथ 2l है अब मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं फॉर अ फॉर अ फॉर अ रॉड रोटेटिंग अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ वो है एम एल स्क्वायेयर बाय टूएल्व बस यहीं पर तुमको संभालना है तुम एल के जगह ट्वेल्व लिखोगे ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायेर बाय ट्वेल्व लेकिन तुम एल के जगह पे टूवेल्व लिखोगे राइट right? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एक फॉमला है एम के स्क्वायर राइट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम एल स्क्वायेर बाय टू एल्व लेकिन एल के जगह टू एल्व और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखना है तो एम के स्क्वायर दोनों को बस इक्वेट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ के एस एल बाय रूट थ्री सो दिस इज अनदर क्वेश्चन विच वॉज आस्ट इन एम एस टी सी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के क्वेश्चन इतने ही थे मेरे पास टू थाउजेंड ट्वेंटी के देखते हैं मास इज अटैच एट वन एंड ऑफ द वायर एंड एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल द चांसेस ऑफ ब्रेकिंग द वायर आर मैक्सिमम वेन वेरी सिंपल द चांसेस ऑफ वायर ब्रेकिंग इज मैक्सिम इफ़ द टेंशन इज मैक्सीम जहाँ पे वायर सबसे ज्यादा खिंच जाता है सो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग चांसेस ऑफ वायर ब्रेकिंग एक सेकेंड बच्चों एक सेकेंड चांसेस ऑफ ब्रेकिंग फिर से जी लिख दिया मैंने चांसेस चांसेस ऑफ वायर बींग ब्रोकन इज मैक्सीम बींग ब्रोकन इज मैक्सीम इफ टेंशन इज मैक्सीम है ना टेंशन मतलब जब वायर बहुत ज्यादा खींच जाता है इफ टेंशन इज मैक्सिम और टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है लोएस्ट पॉइंट पे है ना टेंशन मैक्सीम कहाँ पे होता है लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होता है तो इसका आंसर होना चाहिए द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल ये होगा सी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ए बॉल ऑफ मास एम इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग द बॉल इज मूविंग इन अ हॉरिजोंटल सर्क्यूलर मोशन याद रखना ओके द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल बहुत ही आसान है अगर 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 हम एक वायर में एक बॉल को अटैच करके हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स ये तो मैं लिख सकता हूँ टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है टेंशन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर लेकिन यहाँ पे रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर तो मैं रेडियस के जगह पे एल लिख रहा हूँ इन टू ओमेगा स्क्वायर मुझे क्या निकालना है ओमेगा तो t एम एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेर राइट तो ओमेगा होगा स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एल टी बाय एल और ऐसा है ऑप्शन नंबर d, राइट right? देखो 2020 को एकदम रेफरेंस पेपर मत मान लेना राइट right? मैं मान टू पहली बात तो मैं तुमको बता देता हूँ ये ओल्ड सिलेबस का सीटी पेपर है 2021 में तो पहली बार एक्चुअल सिलेबस का सीटी पेपर हुआ था ना मतलब न्यू सिलेबस का तो ये पहली बात तो ओल्ड सिलेबस का पेपर है और दूसरी बात दूसरी बात यह है कि उस समय कोविड का एकदम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था तो पेपर शायद ईजी भी बनाओ बट एकदम ईजी पेपर नहीं आएगा सी में राइट थोड़ा ट्विस्ट करेंगे वो लोग पेपर एकदम एकदम सिंपल तो नहीं आएगा ये मान कर चलना ओके आगे बढ़ते हैं टू कार्स ऑफ मासिस एम वन एंड एम टू आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडिया आर वन एंड आर टू

दे हैव द सेम टाइम पीरियड टाइम पीरियड दोनों की सेम है राइट टाइम पीरियड कैपिटल टी सेम है ओमेगा का फॉर्मूला क्या है ओमेगा इज टू पाई बाय कैपिटल टी अगर ओमेगा टू पाई बाय कैपिटल टी और टी कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा भी कॉन्स्टेंट है तो याद रखना ओमेगा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट ओमेगा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट अब क्या अब क्या बोला हुआ है देखो द रेशियो ऑफ द लीनियर स्पीड वी वन अपॉन वी टू विल बी इक्वल टू वर वन ओमेगा अपॉन आर टू ओमेगा ओमेगा सेम क्यों है क्योंकि कैपिटल टी सेम है तो ओमेगा कैंसल होगा आंसर आएगा वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू विच इज ऑप्शन नंबर सी अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अ व्हील अ व्हील इज इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन इट्स मोमेंट ऑफ एनर्शिया टॉर्क एक्ट्स कॉन्स्टेंट टॉर्क एक्ट ऑन इट फॉर टी सेकेंड चेंज इन द रोटेशनल कानेटिक एनर्जी ओके तो एक टॉर्क एक्ट कर रहा है इसके ऊपर कंटिन्यूसली ओके कांस्टेंट टॉर्क एक्ट कर रहा है तो चेंज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओके पहले रेस्ट में था याद रखना तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट कर लेते हैं okay, ओके पहले तो मेरे ख्याल से हम लोग एक काम करेंगे टॉर्क कॉन्स्टेंट है काइनेटिक एनर्जी ना देखो एक सेकेंड ना लेट मी सी हाँ पहले तो मैं बता देता हूँ कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा ज़ीरो है ज़ीरो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी या अल्फा टी ही लिखेंगे अब हमको ऑप्शन में अल्फा तो चाहिए नहीं तो हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं टॉर्क डिवाइडेड बाय आई टॉर्क डिवाइडेड बाय आई क्योंकि हम हमको फॉर्मूला पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ये टॉर्क है टी ओके टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा तो अल्फा के जगह पे मैंने टॉ बाय आई लिखा इसलिए लिखा क्योंकि ऑप्शन में अल्फा में नहीं चाहिए आंसर अब क्या पूछा हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ दैट इज ज़ीरो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्यों है क्योंकि क्योंकि ओमेगा इनिशियल है ओमेगा जीरो है ना तो इसको मैं लिखता ही नहीं ना ये तो सीधा जीरो है ओ आई मेड अ मिस्टेक वन सेकेंड फिर से लिख देता हूँ ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी इनिशियल ज़ीरो है ओके okay, फिर ओमेगा फाइनल विल भी इक्वल टू अल्फ़ा इज टॉर्क अपॉन आई इन टू टी सिंस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हाँ अब हम लोग निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वॉट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस जीरो क्योंकि ओमेगा इनिशियल जीरो है सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ आई इंटू टाओ स्क्वायर देखो ओमेगा फाइनल की वैल्यू मैं जानता हूँ दोस्तों सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी तो आई और एक स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर आना चाहिए टाओ स्क्वायर टी बाई टू आई टाओ स्क्वायेर टी बाय टू आई ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं ये भी ये भी स्क्वायर होगा सॉरी ये भी स्क्वायर होगा स्क्वायर स्क्वायर टी बाय आई है ना डी ऑप्शन टाउ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय आई इज ऑप्शन नंबर डी तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अ थिन रिंग ऑफ मास एम रिंग है रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद स्पीड ऑफ ओमेगा टू पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल एम आर नाउ अटैच एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स द एंगुलर स्पीड ऑफ द रिंग विल बी तो देखो हमारे पास रिंग है मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ये तुम्हारा सीन वन है दिस इज योर सीन वन जब रिंग अकेले घूम रहा था एंड दिस इज योर सीन टू वेन एट द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वी आर कीपिंग वट स्मॉल मासस एम एंड एम यहाँ पे भी एक छोटा मास एम है यहाँ पे भी एक छोटा मास एम है और रिंग भी है ऑफकोर्स तो यहाँ पे तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम रिंग है ना एम आर स्क्वायर और यहाँ पे तुम्हारा नया मोमेंट ये तुम्हारा पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आ, रिंग का तो होगा ही प्लस ये दोनों छोटे मासेस का भी होगा और छोटे मासेस का कैसे निकालते हैं सीधा एम आर स्क्वायर कर लेते हैं तो प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर है ना तो ये आ गया आंसर एम प्लस टू एम छोटा एम है याद रखना थ्री मत लिख देना एक बड़ा एम है रिंग का मास बड़ा एम है और बाकी दोनों मासेस जो छोटे एम है तो एम प्लस एम पहले तुम्हारा स्पीड कितना था ओमेगा ओके ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा पूछा हुआ है कि व्हाट इज द न्यू एंगुलर स्पीड ओमेगा टू अब सिंपल है देखो देख के ही पता चल गया कि ये कौन सा फॉर्मूला है ये कौन से टाइप का सम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला बिकॉज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स मैं लिख सकता हूँ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू एम आर स्क्वेर ओमेगा विल बी इक्वल टू वॉट एम प्लस टू एम इंटू आर स्क्वा इन ओमेगा टू तो मेरे ख्याल से ये आर स्क्वायेर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू ओमेगा टू विल बी इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा डिवाइडेड बाय एम प्लस टू एम ऐसा ऑप्शन है ना ये देखो ऑप्शन नंबर ए है सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ए इज द आंसर ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्पीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज आई इट इज़ देन कास्टेड इन टू ट्वेंटी सेवन स्मॉल स्पीयर्स ऑफ सेम डमीटर ओके द मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया ऑफ ईच न्यू स्पीयर इज़ देखो पहले एक ही स्पीयर था उसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया था टू बाई फाइव एम आर स्क्वेयर ठीक है इक्वेशन नंबर वन ये पहले की बात है अब तुमने क्या किया उस स्पीयर के सत्ताईस टुकड़े कर दिए अगर स्पीयर के सत्ताईस टुकड़े कर दिए ना तो एक, एक स्पीयर का फॉर एनी वन स्पीयर फॉर एनी वन स्पीय वो लोग बोल रहे ईच न्यू स्पीयर हर नए स्पियर का मोवमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा देखो यहां पर लिखा हुआ एक ओके सो फॉर फॉर एनी स्पियर किसी भी एक स्पीय का मास कितना होगा तुमने ऑफकोर्स एक बड़े मास के सत्ताईस टुकड़े कर दिए तो उससे सत्ताईस स्पीयर बना लिए तो एक का मास कितना होगा एम बाय ट्वेंटी सेवन एक का मास एम बाय ट्वेंटी सेवन होगा और एक का रेडियस कितना होगा छोटे वाले का सिंपल है मेरे ख्याल से तुम लोग जानते हो कि एक बड़े बॉडी को अगर 27 पियर बनाएंगे जैसे तुमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स में पढ़ा ही होगा कि होता क्या अगर एक ड्रॉप के एंड ड्रॉप्स बनेंगे तो रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप इज वॉट एन टू एंड रेज टू वन बाई थ्री रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप बराबर है ना ऐसे ही करते हैं ना आई होप यू अंडरस्टैंड दैट तो कैसे निकालोगे आंसर देखो सिंपल सी बात है आ, पहले रेडियस आर था ना उसके 27 ड्रॉप्स हुए तो 27 रेस टू वन बाय थ्री इंटू स्मॉल आर तो तुम्हारा छोटा वाला जो स्पीयर होगा ना उसका रेडियस होगा आर बाय सत्ताईस रेस टू वन बाय थ्री ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट होता है थ्री तो ये आगे आर बाय थ्री तो याद रखना जब तुम एक बड़े स्पियर को ट्वेंटी पार्ट्स में कट करोगे तो होगा क्या कि एक पार्ट का मास होगा एम बाय ट्वेंटी सेवन और एक पार्ट का रेडियस होगा आर बाय थ्री जिसको ये नहीं समझ में आया ना वो लोग ऐसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ वो लोग ऐसे करेंगे वॉल्यूम ऑफ द बिग स्पियर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ट्वेंटी सेवन स्पीयर्स इस तरह से इक्वेट करके तुम रेडियस निकाल सकते हो मतलब जिस हो सकता है किसी को ये नहीं पता हो बट सब पता तो सबको होना चाहिए क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में तो हम लोग हजारों बार ऐसे टाइप के सम्स किए जहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप्स मिल पे एक ड्रॉप बनता है या एक ड्रॉप का बहुत सारा ड्रॉप्स बनता है राइट right? ठीक है नाउ लेट मी फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द न्यू स्पीयर दैट विल बी इक्वल टू वॉट टू बाई फाइव एम डैश इंटू आर छोटा आर नए वाले जो नए वाला स्पीयर है उसका रेडियस छोटा आर है टू बाई फाइव नए वाले छोटे वाले स्पीयर का मास इंटू छोटे वाले स्पीयर का रेडियस विच विल बी इक्वल टू टू बाई फाइव एम बाई ट्वेंटी सेवन ओके और ये छोटे आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं आर बाई थ्री द होल स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा टू बाय फाइव को साइड में रख लो एम आर स्क्वायर को साइड में रख लो इसको साइड में रख लो और यहाँ पे क्या बचेगा वन बाय ट्वेंटी सेवन इंटू नाइन वन बाय ट्वेंटी सेवन इंटू नाइन बचा और ट्वेंटी सेवन नाइन का शायद थ्री फोर्टी थ्री होता है और ये जो टू बाय फाइव एम आर है ना ये इक्वेशन नंबर वन से क्या हो गया आई तो आई डैश इज इक्वल टू आई वॉट ट्वेंटी सेवन इंटू नाइन इज टू फोर्टी थ्री टू फोर्टी थ्री तो आंसर है आई बाई टू फोर्टी थ्री आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ लेंथ एल मान लो ना इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ ट्रॉली ओके ट्रॉली मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम बहुत ही आसान है पेंडुलम पे एक एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी एक्ट करते हैं जी बराबर है और ट्रॉली का एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा ए तो नेट और दोनों के बीच में एंगल 90 है तो तुम नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे ए नेट ए नेट इज इक्वल टू वॉट ए नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ वॉट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है ना बस हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है पेंडुलम का टू पाई रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन तो तुम्हारा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कितना है रूट ऑफ टू पाई रूट ऑफ एल बाय ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेस टू हाफ तो मेरे ख्याल से तो तुम्हारा आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी टू पाई ये सब रूट में ऐसे रूट ऑफ एल बाय एल बाय ये ये एक लाइन बनाना गलत हो गया इसमें थोड़ा सही से टाइप नहीं हुआ रूट ऑफ टू पाए रूट ऑफ एल बाय ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर द होल रेस टू हाफ यहाँ एक लाइन आएगा स्लैश ऐसे यहाँ पे भी स्लैश आएगा ऐसे ओके वन सेकेंड बच्चो वन सेकेंड लेट मी चेक लेट मी चेक लेट मी चेक वन सेकेंड स्टूडेंट्स हाँ थोड़ा और इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा एक मिनट रुको वहाँ पे नहीं दिया है ना रूट कोई बात नहीं लेकिन पावर तो माइनस साफ दिया है ना ऑप्शन सही है बच्चों ये तो ये होगा टी इक्वल टू टू पाए रूट एल ओके और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर द होल रेस टू हाफ अगर इसको मैं ऊपर लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा जी रेस टू माइनस हाफ़ यही सही आंसर है देखो इसको ऊपर ये माइनस है माइनस हाफ ओके सही है ये यही आंसर है बी बी इज द राइट आंसर ओके सॉरी बी इज नॉट द राइट आंसर एक मिनट रेस टू हाफ और रूट भी है बी इज़ नॉट द राइट आंसर रूट के ऊपर रूट है ना यहाँ पे यहाँ पे रूट भी है ना तो और एक बार आएगा ना ये रूट में था ना ये रेस टू हाफ तो पहले से ही था फिर एक हाफ भी तो है हाफ भी है राइट तो मेरे ख्याल से आंसर ये रेस टू हाफ हाफ होगा तो वन बाई फोर हो जाएगा आंसर ये है आंसर ए है आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों ये पक्का पक्का कन्फर्म्ड है देखो ये रूट को सेपरेट कर लेते हैं रूट एल अपॉन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रेस टू हाफ बराबर है, है ना तो वो उसका रूट को हम लोग एक एक हाफ तो पहले से ही था रूट का और एक हाफ आ गया तो ये वन बाई फोर हो गया ऊपर जाके माइनस वन बाई फोर हो गया तो आंसर ए है ए ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं बच्चों अ व्हील ऑफ रेडियस टू सेंटीमीटर इज एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ पॉइंट पी ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द व्हील इज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस वेन द व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी आफ्टर हाफ रेवल्यूशन ऑफ द व्हील इज चलो देख लेते हैं होपफुली मैंने डायग्राम बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ है ओके okay. डायग्राम नहीं बनाया हुआ है ग्रेट ठीक है तो बना लेता हूँ बना लेता हूँ देखो ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम बिकॉज डायग्राम के बिना इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा देखो Uh, समझो ये एक व्हील है दिस इज अ व्हील और ये पॉइंट पी है जो वो कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ ठीक है उसके बाद में क्या हुआ ये पहिया घूमा लटे से ये पहिया घूमा ऐसे अगर ये पहिया घूमा तो डेफिनेटली हाफ रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा जो पी नीचे था वो ऊपर चलाएगा जो पी नीचे था वो ऊपर चलाएगा मतलब पी अब नीचे से ऊपर चलाएगा ठीक है ऊपर चलाएगा आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाफ़ रेवोल्यूशन हुआ ना तो व्हील कितना चलेगा देखो ये ये जो डिस्टेंस है ना ये कितना होगा हाफ रेवोल्यूशन में हाफ रेवोल्यूशन में ये डिस्टेंस कितना होगा ये डिस्टेंस होगा पाई आर यहाँ से यहाँ तक हाफ रेवोल्यूशन चला ना तो ये डिस्टेंस हो गया पाई आर मतलब ग्राउंड पे वो पाई आर चला ऐसे पाई पाईआर अगर पूरा चलता तो टू पाई आर राइट हाफ रेवोल्यूशन में पाई आर चला और ये जो हाइट है ना ये देखो ये टू आर है अब क्या पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट सॉरी <coughs> डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है ना आई एल एक्सप्लेन यू हाउ डू यू गेट डिस्प्लेसमेंट ये इसका इनिशियल पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट मतलब ये लेंथ निकालना है तुमको ये लेंथ ओके okay, ये लेंथ निकालना है और ये लेंथ क्या होगा देखो सिंपल है ये हाइपोटनस है ये पाई पाईआर है और ये टू आर है तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर राइट पाई आर का पाई आर का स्क्वायर तो मेरे ख्याल से आर तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में यहाँ पे बचा फोर यहाँ पे बचा पाई स्क्वायर तो आंसर है पाई स्क्वायर प्लस फोर आर अच्छा फिर उसको रीज टू हाफ भी लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट इज़ आर 4 होल रेस टू हाफ तो कहा ना टू आर और पाई आर पाई 4 ऐसा तो कोई ऑप्शन है अच्छा रेडियस दिया हुआ है व्हील का रेडियस टू सेंटीमीटर दिया तो मुझे रेडियस सब्सटीट्यूट करना चाहिए रेडियस दिया हुआ है विल का टू सेंटीमीटर तो टू तो आएगा रेडियस के जगह पे फाइव स्क्वायर प्लस फोर द होल रेस टू हाफ और ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा ओके okay, रेडियस की वैल्यू दी हुई है ना मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया उसको तो आंसर आएगा ये ये वाला आंसर आएगा दिस इज द आंसर राइट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मास ऑफ पॉइंट फाइव ये पॉइंट फाइव है मास ऑफ मास ऑफ जी इज अटैच टू अ स्ट्रिंग मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी टेन साइकिल पर मिनट ओके ओमेगा दिया हुआ है टेन साइकिल पर मिनट टेन साइकिल पर मिनट ऑप्शन दिया है साइकिल पर सेकेंड वाह तो एक काम करते हैं इसको इसको पहले मैं चेंज करके ना साइकिल पर सेकेंड कर लेता हूँ तो ये होगा टेन बाई सिक्सटी साइकिल पर सेकेंड क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही दिया हुआ है टेन बाई सिक्सटी साइकिल पर सेकेंड ओके फिर कीपिंग द रेडियस कॉन्सटेंट कीपिंग द रेडियस कॉन्सटेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मेड फोर टाइम्स बाई इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलासिटी ओमेगा डैश द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश इज ओमेगा डैश ठीक है निकाल लेते हैं मतलब मतलब देखो क्या हुआ टेंशन जो है ना तुम्हारा देखो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपीटल फोर्स ये तो तुमको मानना पड़ेगा राइट तो टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है समझो बाद में क्या हो रहा है टेंशन इज़ फोर टाइम्स सेकेंड केस में टेंशन इज़ फोर टाइम्स और ओमेगा का क्या हुआ ओमेगा डैश ओमेगा डैश द होल स्क्वायर ठीक है तुमको ओमेगा डैश ढूंढना है तो एक काम करो डिवाइड टू बाय वन अगर डिवाइडिंग टू बाय वन अगर मैंने डिवाइड किया टू को वन से डिवाइडिंग टू बाय वन क्या होगा डिवाइडिंग टू बाय वन फोर्टी बाय टी क्या हो जाएगा फोर्टी बाय टी टी फोर हो जाएगा एम आर एम आर कट जाएगा ओमेगा डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर तो अल्टीमेटली ये होगा टू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश मैंने स्क्वायर रूट लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया राइट right? तो ओमेगा डैश क्या होगा ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू टू ये जीरो कैंसिल कर लेते हैं ना टू इंटू वन बाई सिक्स और टू इंटू वन बाई सिक्स क्या होगा वन बाई थ्री साइकिल पर सेकेंड साइकिल पर सेकेंड हाँ कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर आपने साइकिल पर मिनट साइकिल पर सेकंड को ओमेगा कैसे लिख दिया हो तो फ्रीक्वेंसी होता है तो बराबर है वो फ्रीक्वेंसी होता है बट क्या फ़र्क पड़ता है अगर फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं टू पाई एफ़ टू पाई एफ तो ये टू पाई टू पाई तो कट ही जाता है ना अल्टीमेटली तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ये सब डिस्कस ही नहीं किया राइट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये सच है कि साइकिल पर सेकेंड फ्रीकवेंसी की यूनिट है चलो आगे बढ़ते हैं हुँ. अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इफ थीटा ओमेगा अल्फा एंड ए वन सेकेंड वन सेकेंड स्टूडेंट्स अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इफ थीटा ओमेगा अल्फा एंड ए आर इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर विलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग गलत कौन सा है पहले देख लेते मैंने थीटा ओमेगा अल्फा वी ए सब का डायरेक्शन पहले से ही बना रखा है ओ क्या ओमेगा परपेंडिकुलर टू अल्फा है ओमेगा और अल्फा परपेंडिकुलर है गलत ओमेगा और अल्फा या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो उल्टा डायरेक्शन में होंगे वो डिपेंड करता है स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है कि स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है तो लो ये लोगों ने पूछा था कि पहला कौन सा ऑप्शन गलत है पहला ही ऑप्शन गलत निकला तो यही तुम्हारा आंसर है ओके बाकी के भी मैं बता देता हूँ ओमेगा परपेंडिकुलर टू वी हाँ क्योंकि वी होगा प्लेन ऑफ सर्कल में और ओमेगा होगा परपेंडिकुलर टू सर्कल तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे वी और अल्फा परपेंडिकुलर यस वी इज़ इन प्लेन ऑफ द सर्कल एंड 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 एक्सेलरेशन इज ये ए है एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर एक टेंजेंट है एक रेडियस है तो दोनों के बीच में एंगल 90 होगा ओमेगा और अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओमेगा और a परपेंडिकुलर है हाँ क्योंकि अल्फा देखो प्लेन ऑफ ए प्लेन ऑफ द सर्कल में ए प्लेन ऑफ द सर्कल में और ओमेगा परपेंडिकुलर टू तो प्लेन है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 होगा उन्होंने पूछा था कौन सा गलत ऑप्शन है तो ये डायग्राम देखो तुमको सब समझ में आ जाएगा राइट और अ रिंग एंड अ डिस्क हैव सेम सेम मास एंड रेडियस द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ द रिंग अबाउट अ टैनजेंट इन इट्स प्लेन टू दैट ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर ओके मतलब डिस्क के लिए एक्सिस डायमीटर से जा रहा है और इसके लिए टैंजेंट है इन दोनों का रेशियो निकालना है द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ रिंग रिंग अबाउट द टैंजेंट बराबर है मतलब ये आई टी अपॉन आई डी का रेशो निकालना है ठीक है ओके अब स्टार्ट करते हैं बच्चों देखो ये तो रिंग है तो रिंग का ये मैं जानता हूँ रिंग का आई डी कितना होगा रिंग आई डी फॉर अ रिंग मैं जानता हूँ होता है एम आर स्क्वायर बाई टू रिंग का आई डी मतलब देखो रिंग का ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना परपेंडिकुलर वो एम आर स्क्वायेर होता है लेकिन डायमीटर वाला एम आर स्क्वायेर बाई टू बाय पैरल एक्सिस थियरम फॉर द रिंग फॉर द रिंग by parallel axis theorem i can write i t is equal to i d plus m into perpendicular distance दोनों axis के बीच में r है mr square तो ये होगा mr square by टू plus mr square जो होगा थ्री by टू mr square तो ये हो गया थ्री by टू mr square ये हम लोग याद रखेंगे ये i t है ring का ठीक है अब disc के लिए i d क्या होता है direct है for the disc डिस्क के लिए आईडी डायरेक्ट है आईडी डी इज इक्वल टू डायरेक्टली देखो ये एक्सिस पे एम आर स्क्वायर बाई टू होता है तो डायमीटर वाले एक्सिस पे क्या होगा ये वाले एक्सिस पे एम आर स्क्वायेर बाय टू होता है डायमीटर वाले पे एम आर स्क्वायर बाय फोर होता है डिस्क का राइट अब इन दोनों का रेशो ले लो तो आई टी अपन आई डी करेंगे तो एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर कट जाएगा बिकॉज स्टार्टिंग में ही दिया था कि रिंग और डिस्क का मास और रेडियस सेम है तो आई टी अपन आई डी करेंगे तो आंसर आएगा थ्री बाई टू इन फोर बाई वन राइट तो द आंसर इज सिक्स अपॉन वन सिक्स अपॉन वन आगे बढ़ते हैं ऐसे ही पूछा था ना ऑफ डायमीटर हाँ डिस्क अपॉन रिंग तो डिस्क हाँ रिंग अपॉन डिस्क बराबर है एक ही ऑप्शन भी है सिक्स इज टू वन तो टेंशन नहीं है टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई एंड टू आई मतलब आई वन कितना है आई और सेकेंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है टू आई इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी देअर एंगुलर मोमेंटम का रेशियो L1 अपॉन L2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट डायरेक्ट सम है एनर्जी का फॉर्मूला होता है एल बाय टू आई है ना एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टू आई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बाय टू आई तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी विल बी इक्वल टू वॉट एल वन स्क्वायर बाय टू आई वन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी विल बी इक्वल टू वॉट एल टू स्क्वायर बाय टू आई टू और अगर तुम रेशियो लोगे दोनों का तो आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी सॉरी दोनों इक्वल है ना दोनों इक्वल है दोनों इक्वल है बच्चों दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर लो दोनों को दिया हुआ है के ई वन इक्वल टू के ई टू तो एल वन स्क्वायेयर बाय टू आई वन इज इक्वल टू एल टू स्क्वायर बाय टू आई टू तो टू टू तो कटी जा तो एलवन स्क्वायर बाय एल टू स्क्र विल बी इक्वल टू वॉट इट विल बी इक्वल टू आई वन अपॉन आई टू तो एलवन स्क्र बाय एल टू स्क्र विल बी इक्वल टू आई वन कितना है आई बाय टू आई 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 भी कैंसल तो एल वन अपॉन एल टू इज वन बाय रूट टू एल वन बाय एल टू इज वन बाय रूट टू ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द आंसर ऑप्शन ए इज द आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ये पाई बाय टू है जो दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को पाई बाय टू ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम ऑफ रेडियस पाई बाय टू पाई बाय टू तो पाई बाय टू इज नथिंग बट द रेडियस मेक्स एक्स रिवोल्यूशन इन टाइम टी एक्स रेवोल्यूशन इन टाइम टी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड इन यूनिट टाइम तो x रिवोल्यूशन इन टाइम t तो उसका होगा x बाय टी ओके टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछा है बहुत ही आसान v इज इक्वल टू वॉट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आर ओमेगा या r इंटू टू पाए एन तो r तो पाई बाई टू है इंटू टू पाए एन एक्स बाय टी है टू टू कट गया तो आंसर आना चाहिए पाई स्क्वायेर एक्स बाई टी पाई स्क्वायर एक्स बाई टी ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन अपॉन टाइम तो आ गया आंसर एक्स एक्सवाई टी और वी पूछा था वो तो निकाल लिया मैंने राइट right? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ओके आई थिंक वी विल स्टॉप नाउ स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू